हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक राइस मिल्क फेशियल फॉर स्किन व्हाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग, ग्लो एंड हाइड्रेशन। राइस मिल्क हमारे स्किन से डार्क स्पॉट रिमूव करने में हेल्प करता है, पिगमेंटेशन रिमूव करने में हेल्प करता है, एक्ने स्कार्स एंड ब्लेमिशेस को फेड करता है एंड ओवरऑल हमारी स्किन को हेल्दी एंड यूथफुल रखने में हेल्प करता है। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। राइस मिल्क फेशियल करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राइस मिल्क प्रिपेयर करना है। राइस मिल्क प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेना है 1 कप राइस। मेक श्योर ये व्हाइट राइस हो, कोई भी राइस चलेगा बट वो व्हाइट राइस होना चाहिए, नॉट ब्राउन राइस। आफ्टर दैट हम इस व्हाइट राइस को वॉश कर लेंगे। हमें 2 टाइम्स राइस को वॉश करना है सो दैट उसमें जो भी डॉट एंड इम्प्योरिटीज हो वो रिमूव हो जाए। इस 1 कप ऑफ राइस में 2 कप वाटर डालना है एंड इसे हम आधे घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देंगे। आफ्टर दैट हमें इस राइस एंड राइस वाटर को कंप्लीटली एक मिक्सिंग जार में डालना है एंड इसे अच्छी तरीके से मिक्सर में चला लेना है। आफ्टर मिक्सिंग आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपके मिक्सिंग जार में एंड इसे हम अब स्ट्रेन कर लेंगे। Here we go, हमें अपना राइस मिल्क मिल चुका है अपने फेशियल के लिए। मैंने अक्सर देखा है दैट लोग कुक्ड राइस यूज करते हैं फॉर दिस प्रोसेस, बट कुक्ड राइस में उतनी ज्यादा न्यूट्रिशंस नहीं हो पाती है, बेनिफिट नहीं हो पाती है स्किन एंड हेयर के लिए जो कि हमें रॉ राइस मिल्क में मिलती है। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट आप रॉ राइस यूज करें अपना राइस मिल्क एक्सट्रैक्ट करने के लिए। राइस मिल्क फेशियल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रिपेयर करना है एक राइस मिल्क क्लेंजर। राइस मिल्क क्लेंजर के लिए हमें लेना है 4 टेबलस्पून ऑफ राइस मिल्क, दैट्स इट। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर स्किन क्लेंजिंग एंड इसमें हम एक कॉटन पैड डिप करेंगे एंड अपने पूरे फेस पे डैप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस राइस मिल्क को सोक कर लेंगे अपने स्किन को राइस मिल्क से एंड आफ्टर दैट जेंटली वाइप करते हुए क्लीन कर लेंगे अपने फेस को। कॉटन पैड को आप अपवर्ड डायरेक्शन में ही चलाएं व्हाइल क्लीनिंग योर फेस। आफ्टर क्लेंजिंग हमें स्क्रब करना है टू रिमूव ऑल द डेड स्किन सेल्स फ्रॉम आवर स्किन। स्क्रब प्रिपेयर करने के लिए हमें लेना है 1 टेबलस्पून चावल का आटा, 1/2 टेबलस्पून कॉफी एंड 4 टेबलस्पून हमारा राइस मिल्क। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है सो दैट ये एक क्रीमी स्क्रब बन जाए, समथिंग लाइक दिस। स्क्रब करने से पहले हमें लेना है फेशियल स्टीम। ना फेशियल स्टीम के लिए आप इलेक्ट्रिक स्टीमर यूज कर सकते हो, वार्म टॉवल यूज कर सकते हो या फिर मेरी तरह एक पतीले में गर्म पानी लेके फेस के पास रख के इस तरीके से स्टीम कर सकते हो जैसे कि मैं कर रही हूं। आफ्टर दैट हम इवनली स्क्रब अपने फेस पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन थोड़ा सा और स्टीम लेंगे हम एंड उसके बाद हम जेंटली स्क्रब करना स्टार्ट करेंगे अपने फेस को। Be very gentle. स्क्रब करने के बाद हमें अपने फेस को वॉश कर लेना है एंड पैड ड्राई कर लेना है एंड आफ्टर दैट हम अपना 3rd एंड लास्ट प्रोसेस फॉलो करेंगे जिसमें हम करेंगे फेस मसाज एंड फेस पैक। फेस मसाज एंड फेस पैक रेडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे 4 टेबलस्पून ऑफ राइस मिल्क। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कर्ड, 2 टेबलस्पून ग्राम फ्लोर और बेसन एंड उसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये होम रेमेडी हमारा फेशियल मसाज एंड फेशियल पैक दोनों है, ये 2-in-1 है सो इसे हम इवनली अपने फेस पे पहले अप्लाई कर लेंगे। एंड देन 3 फिंगर्स की हेल्प से मसाज करेंगे।
10 मिनट्स के लिए अपने फेस को अच्छी तरीके से मसाज करेंगे विथ लाइट हैंड्स एंड जैसे कि मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे स्टेप्स, आपने ऐसे ही फॉलो करना है वाइल मसाजिंग योर फेस। आफ्टर मसाजिंग फॉर 10 मिनट्स हम इस पैक को अपने फेस पे 20 मिनट्स तक रहने देंगे। सिंस ये हमारा मसाज क्रीम एंड फेस पैक दोनों है, सो पहले हमने मसाज किया एंड नाउ हम इसे 20 मिनट्स तक के लिए अपने स्किन पे रहने देंगे। आफ्टर 20 मिनट्स मैं इस फेस पैक को एक क्लीन कॉटन पैड से आपके सामने रिमूव कर रही हूँ सो दैट आप देख पाओ ये फेशियल कितना ज्यादा इफेक्टिव है फॉर स्किन वाइटनिंग, ब्राइटनिंग एंड ग्लो इंस्टेंटली। स्किन पिगमेंटेशन, स्कार एंड ब्लेमिशेस के लिए आपको इस फेशियल को एटलीस्ट 4-5 टाइम्स करना होगा टू सी द रिजल्ट ऑन देम। ये राइस मिल्क फेशियल राइस वाटर फेशियल से काफी ज्यादा इफेक्टिव है एंड इंस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। आप इस राइस मिल्क फेशियल को जरूर ट्राई करना एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में आके जरूर शेयर करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, नए हो मेरे चैनल पे देन सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को हिट कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइज।